हैप्पी गणेश चतुर्दशी टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मेरे घर पे जो भी खाना बनाता मोदक और बहुत ही सिंपल सा रेसिपी जो ब्रेकफास्ट में बनाता आज वो सारे चीज़ें मैं शेयर करूँगी। एंड पप्पा जी को मैंने कुछ इस तरह से सजाया था, आई होप आपको पसंद आए। तो सबसे पहले हम लोग मोदक की रेसिपी बनाएंगे। तो मोदक का फीलिंग्स हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं। तो एक चम्मच घी में यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फ्लेम लो रहना चाहिए, जितना लो हो सके उतना अच्छा, और धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज होता जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा मिल्क यूज़ करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बैचेस में मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे, जैसे कि हम लोगों का मिल्क पाउडर में कोई भी लम्स ना रहे। मावे की मोदक बना रहे हैं तो इसको हम लोग चलाते रहेंगे, और ये एक टाइम ऐसा आएगा जब पैन में चिपकेगा नहीं। आप देख सकते हैं अभी चिपक नहीं रहा है, दैट मीन्स ये रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स कुछ है, बेसिकली खजूर, काजू और किशमिश को छोटा छोटा कट करके इसमें ऐड किया गया है और रखा गया है। और इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे जो मिक्सचर अभी हम लोग बनाए हैं मावे की, इस मिक्सचर को हम लोग इसमें ऐड करके और इस ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से हम लोग इस मावे को मिला लेंगे, और ये हम लोगों का मावे की फीलिंग्स रेडी हो चुका है। एंड ये काफ़ी टेस्टी होता है, ट्रस्ट मी। अभी पैन कढ़ाई में हम लोग 2 चम्मच के पास पास घी लेंगे और मेजरिंग कप से हम लोग 1 कप के पास पास सूजी ले रहे हैं। तो आपके पास अगर मेजरिंग कप ना हो तो आप कटोरी से भी मेजर करके ले सकते हैं। और 2 स्पून हम लोग यहाँ पे बेसन ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा सॉल्ट। हम लोग इसको रोस्ट करेंगे, धीरे धीरे करके इसको रोस्ट करेंगे, और अगेन हम लोगों ने इसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया है और इसको हम लोग चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अभी कलर के लिए हम लोग थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रहे हैं एंड इसमें काफ़ी खूबसूरत सा कलर निखर के आता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर निखर के आ रहा है। सो अभी 2 इलायची हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। अभी रोस्ट हो चुका है। सो अभी हम लोग 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, बट बैचेस में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऐड करेंगे और इसको मिलाते जाएंगे ताकि हम लोगों का जो सूजी है उसमें भी लम्स ना रहे। और सूजी में हम लोग चीनी ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि हम लोगों का लम्स इसमें ना रहे, और तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें से मॉइस्चर लेवल कम ना हो जाए। तो अभी इसमें से पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। और इस तरह से आपको कुछ कटोरी बनाना है। कटोरी टाइप बनाने के बाद हम लोग जो मावे की मिक्सचर बनाए थे इसमें रख के आपको यहाँ पे घुमाते हुए इसको मोदक का शेप दे देना है। और इसको हम लोग बिना मोल्ड के हम लोग आज बना रहे हैं, तो फोक के हेल्प से आपको इस तरह से कर्व्स लगाने हैं। और ये मैं यूट्यूब से ही देखी थी और इट वर्क्स वेरी नाइसली। एंड फाइनली हम लोगों का मोदक रेडी हो चुका है। और साल में एक बार ही मेरे घर पे मोदक बनता है जब पप्पा जी घर पे आते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये रहा हम लोगों का मावे की मोदक। तो ब्रेकफास्ट में भी हम लोगों का काफ़ी सात्विक सा खाना था, मटर आलू की सब्जी साथ में पूरी। तो रेसिपी शेयर करती हूँ। मसाला प्रिपेयर करेंगे, फॉर दैट हम लोगों ने पहले लेना है धनिया पत्ता, 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा और 1 ग्रीन चिली, आप तीखा के हिसाब से 3-4 भी दे सकते हैं। 1 चम्मच वाटरमेलन सीड यानी कि 4 मगज हम लोग ऐड करेंगे, जिसको हम लोगों ने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। 1 इलायची, 2 लौंग, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो 4 बड़े साइज आलू को आपको क्यूब साइज में कट करना है। हम लोगों ने बॉयल आलू लिया है ताकि हम लोगों का करी भी बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट बन जाएगा, और पीस को थोड़ा सा फ्राई करके अलग से रख देंगे।
एंड ऑयल में आपको सिर्फ मसाला ऐड करना है, उसमें अलग से कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसी को डालो और आपको डालने के बाद इसको भून लेना है। इसके बाद जब भून जाए आपको इसमें चीज़ ऐड करेंगे, फ्राइड पीस एंड बॉयल आलू आपको इसमें ऐड करना है, और बस इसके बाद आप नमक दे दीजिए इसमें स्वाद अनुसार, और क्रीम हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत सारा क्रीम ऐड करना है। आप चाहे तो जो दूध में मलाई होता है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, काफ़ी अच्छा सा रिच सा टेस्ट इसमें आएगा। एंड इसको 5 मिनट के लिए आप बॉयल कीजिए, एट द एंड आप इसमें गर्म मसाला ऐड कीजिए और ये करी रेडी हो जाता है। काफ़ी रिच सा फ्लेवर है इस करी का, और मम्मी ने इसको पूरी के साथ सर्व किया था, पराठे रोटी के साथ भी ये करी अच्छे से जाने वाला है, तो एक बार आप घर पे जरूर से ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। लंच में हम लोगों ने प्रसाद ऑर्डर किया था, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये मेरे घर के पास के मंदिर के क्लिप्स हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जय श्री गणेशा।